हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूँ दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल एंड इसका पिवट पॉइंट एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्रूड ऑयल का मार्केट ट्रेंड क्या है और रेंज क्या है मार्केट, और ये कौन सा पैटर्न अभी फॉर्म कर रहा है उसके ऊपर हम बात करेंगे। सो ये क्रूड ऑयल का 4 आवर चार्ट है, तो उसमें आज आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल पिवट पॉइंट 5245। फर्स्ट रेजिस्टेंट 5278, सेकेंड रेजिस्टेंट 5316 एंड थर्ड रेजिस्टेंट 5349। फर्स्ट सपोर्ट 5207, सेकेंड सपोर्ट 5174 एंड थर्ड सपोर्ट 5136। तो आप देख सकते हैं ये क्रूड ऑयल प्राइस है। तो क्रूड ऑयल 200 मूविंग एवरेज के हिसाब से ये आप देख सकते हैं ये डाउन ट्रेंड में है, और आप अगर प्राइस एक्शन में देखेंगे तो अभी भी ये अप ट्रेंड प्लेस करने के लिए लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मतलब दोनों दोनों को कंबाइन करें तो हम एक बात कर सकते हैं, 200 मूविंग एवरेज ने इसका अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है और प्राइस एक्शन में इसका अप ट्रेंड लेने के लिए कोशिश कर रहा है। और एक यूज़ करते हैं हम ट्रेंड लाइन, तो ट्रेंड लाइन का हम देखना पड़ेगा। ट्रेंड लाइन ये अगर हमने ट्रेंड लाइन डाला यहाँ पे, तो ये अभी भी कंफर्म नहीं किया, ये अभी भी कंफर्म नहीं किया, ये डाउन ट्रेंड ही दिखा रहा है। तो इसमें अभी कौन सा पैटर्न फॉर्म कर रहा है उसका ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्रूड ऑयल एक बटरफ्लाई पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं, तो अगर इसको हम देखें, अगर ये बटरफ्लाई पैटर्न फॉर्म कर ले तो इसका टारगेट रहेगा 123। तो आप देख सकते हैं जिसे पहले हायर पॉइंट था यहाँ पे, तो यहाँ तक आज मार्केट जा सकता है 123.6% फिबोनाची एक्सटेंशन। तो ये जैसा फॉर्म रहेगा, तो फॉर्म इसका क्या फॉर्म बन रहा है, तो उसको उसका ऊपर हम अभी एक फॉर्म बना रहा है, तो उसका मैं जो पैटर्न है तो ये पैटर्न फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये पैटर्न फॉर्म कर रहा है, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई पैटर्न। तो यहाँ से जो मैंने लिया एक वेव, तो यहाँ से देख सकते हैं एक वेव, और यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट किया हुआ है। तो कितना रिट्रेसमेंट को किया, एग्जैक्टली 61% रिट्रेसमेंट किया, और उसको देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये एग्जैक्टली 61% रिट्रेसमेंट किया, और इसका एक्सटेंशन रहेगा, फर्स्ट टारगेट तो हमारा रहेगा यहाँ पे ये 161, जो पहले हाई अगर हमने बाय किया तो फर्स्ट टारगेट यहाँ तक रहेगा 161, और नेक्स्ट टारगेट 161 ऑफ एक्स ए वेव इसका ऊपर रहेगा। ठीक है, ये अभी पैटर्न फॉर्म कर रहा है। तो अभी हम बात करेंगे सॉरी छोटा टाइम फ्रेम में कैसा ये पैटर्न फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तो हो गया 15 मिनट में, और हम 5 मिनट में देखेंगे। तो 5 मिनट में एक ही बात ये है, तो और 5 मिनट में ये भी कंफर्म कर रहा है कि ये अभी अप ट्रेंड प्लेस हुआ है और आज गैप अप में डाउन ओपन हुआ है। तो आपको बाय कहाँ लेना है इसमें। ठीक है, तो बाय लेना है जब इसको क्रॉस करेगा इसका ऊपर, जैसे ये मैंने ट्रेंड लाइन डाला हुआ है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन डाला हुआ है, इसका ऊपर जब ये ब्रेकआउट करके क्लोज होगा तो वहाँ से आप बाय ले सकता है। और यहाँ पे फर्स्ट टारगेट ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलेगा आपको, लगता है मुझे 15 पॉइंट एंड नेक्स्ट ये 30 पॉइंट। तो अभी आज इतने जाने का चांसेस है, अगर मार्केट ये और एक लाइन ड्रॉ कर देता मैं यहाँ पे शॉर्ट टाइम फ्रेम में, ये देखिए आप, ये अगर इसको तोड़ के नीचे आ गया तो तब आप सेल ले सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप एंटी कर सकते हैं, इसका थोड़ा नीचे में एंटी कर लीजिए तो मुझे लगता है यहाँ से आपको 50 पॉइंट मिल सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट ये सपोर्टिंग लेवल है। ओके,
So I hope you enjoyed this video. If you like this video, please like and subscribe. Thanks for watching.